हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑटो ब्लॉग। और आज बात करेंगे मारुति डिजायर के VXI CNG 2022 वेरिएंट के बारे में। टोटल आपको 9 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे डिजायर में और टोटल 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। प्रीमियम सिल्वर कलर ये हम लोग देख रहे हैं इसका। बाकी आपको CNG सिर्फ 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगी, VXI में और ZXI में। CNG में माइलेज वगैरह क्या मिलता है वो सारी बात करेंगे, तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन को प्रेस करके, और अब नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिससे कि आपको मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर CNG की बैजिंग देखने को मिल जाएगी इसकी विंडो स्क्रीन पर, अगर आप इसका CNG वेरिएंट परचेस करते हो। बाकी आपको इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर सेम ही देखने को मिलेगा VXI वाला, सिर्फ और सिर्फ CNG सिलेंडर अपडेट किया गया है VXI में। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रिल वगैरह मिल जाती है। कुछ ऐसी लेंथ वगैरह की बात करें तो 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, 1735 mm की विड्थ मिल जाती है और 1515 mm की हाइट मिल जाती है। 2450 mm का व्हील बेस, यहाँ पर 14 इंचेस के नॉर्मल स्टील व्हील मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। यहाँ पर साइड वार भी मिल जाते हैं, इन पर इंडिकेटर दिए हुए हैं। रूफ आपको प्लेन मिलेगी, पीछे साइड आपको एंटीना देखने को मिलता है नॉर्मल वाला। बाकी बॉडी कलर आपको चारों ईडो रेंडल मिलेंगे, कीलेस एंट्री इसमें नहीं मिलेगी। ZXI और ZXI प्लस में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर आपको ऐसे कुछ डोर हैंडल्स मिलेंगे। रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 mm का देखने को मिलेगा डिजायर में, जो कि काफ़ी सही है सेडान के हिसाब से। बाकी रियर में अगर बात करें तो सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी, यहाँ पर डिजायर लिखा हुआ मिल जाएगा और ऐसे को रियर से लुक आते हैं डिजायर के। बाकी आप देख सकते हो रियर में आपको टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो कि LED आते हैं बेस वेरिएंट से ही। यहाँ पर L टाइप की फिनिश मिलती है जैसे कि आप ये देख सकते हो, और ब्लिंक करते हुए इंडिकेटर कुछ ऐसे लगते हैं। रियर से भी काफ़ी अच्छे लुक लगते हैं सेडान के अंदर। 4 मीटर सेडान है ये, यहाँ पर आपको ऐसे कुछ टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, सारे सेम मिलते हैं। डिजायर की बैजिंग मिल जाती है क्रोम में, सुजुकी का लोगो क्रोम में है। बूट डोर पर आपको क्रोम गार्निश देखने को मिलती है। बाकी अब अगर बात करें इसमें CNG की, तो ऊपर आपको यहाँ पर आपको 4 मल्टीसोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। रिवर्स में 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं सेफ्टी वाइज। और अगर बात करें CNG की बैजिंग की, तो आपको रियर वाले ग्लास पर भी CNG की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी प्रॉपर। और अगर बात करें बूट स्पेस की, तो इसके ऊपर करते हैं बूट को और देखते हैं इसमें आपको कैसा क्या बूट स्पेस देखने को मिलता है। तो आगे से करना पड़ेगा, इधर से नहीं खुलेगा शायद, यहाँ से करते हैं। यहाँ पर फ्यूली डोर जैसे पुरानी वाली डिज़ाइन में मिलता है वैसे ही ऑप्शन मिलते हैं आगे। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका 55 लीटर्स का CNG फ्यूल टैंक, जिसमें आप अपना 55 लीटर CNG भरवा सकते हो, वो काफ़ी बड़ा ही है। ऑटो कट वाला सिस्टम जो इसमें आता है वो है। बाकी आपको बूट स्पेस कुछ ऐसा मिलता है, और बूट स्पेस काफ़ी बच जाता है CNG सिलेंडर के लगने के बाद भी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो कट वाला सिस्टम पूरा दिया हुआ है। और आपको स्पेयर व्हील कहाँ मिलता है, तो वो यहीं पर मिलता है नीचे। इसका सिस्टम बढ़िया लगता है, यहाँ पर स्पेयर व्हील भी आपको नीचे मिल जाता है, अपना आराम से निकाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है आपको। बाकी बूट स्पेस भी मिल जाता है CNG सिलेंडर के अलावा काफ़ी, यहाँ पर 55 लीटर तक आप CNG भरवा सकते हो। CNG की बैजिंग मिल जाती है प्रॉपर इसमें, और कंपनी फिटेड CNG की बात अलग ही होती है, आफ्टर मार्केट की अलग होती है। यहाँ पर आपको बूट डोर पर कोई भी प्लास्टिक का गत्ता नहीं मिलता, काफ़ी बेकार सी फिनिश देखने को मिलती है, मतलब कुछ लगाया नहीं गया, उसको ढका नहीं गया, अंदर की सब चीज़ें दिखती हैं इसमें। अब ड्राइवर साइड वाले डोर से बात करें, बाकी आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है इसमें पेट्रोल वाला, ऐसा को ड्राइवर साइड डोर देखने को मिलता है डुअल टोन में ब्लैक एंड बीच कलर में। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो स्विच मिल जाते हैं, ऑटो मिलती है ड्राइवर साइड विंडो, यहाँ पर लॉक एंड लॉक का बटन यहाँ पर मिल जाता है, सॉफ्ट टच फिनिश। और अगर बात करें यहाँ पर आपको क्रोम मिलता है, यहाँ पर 1 लीटर बॉटल लोडर, टोटल 4 स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं डिजायर के VXI वेरिएंट में। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर सीट मिल जाती है और रिक्लाइन करने का ऑप्शन। यहाँ पर फ्यूल से आप पेट्रोल से CNG में लगा सकते हो गाड़ी को, CNG से पेट्रोल में लगा सकते हो। अगर इसको प्रेस करके रखते हो तो आपकी गाड़ी पेट्रोल से CNG में लग जाती है, फ्यूल CNG से पेट्रोल में लग जाती है। बाकी साइड में आपको लाइट्स वगैरह कंट्रोल मिल जाते हैं। और अगर बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा मिलता है डिज़ायर का। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ब्लोअर वगैरह बंद कर सकते हो AC का, और यहाँ पर नीचे 3 पैडल मिल जाते हैं। और ऐसा कुछ डैशबोर्ड देखने को मिलता है आपको डिज़ायर के VXI वेरिएंट का। स्टीयरिंग व्हील आपको फ्लैट बॉटम मिलेगा डी कट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपको स्टीयरिंग व्हील पर क्रोम मिलेगा, लोगो मिल जाएगा सुजुकी का क्रोम में। 2 एयरबैग सेफ्टी वाइज मिलेंगे, यहाँ पर मीडिया सिलेटेड कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कॉल अप, कॉल कट करने, ब्लूटूथ कंट्रोल, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको 8000 RPM तक की मार्किंग मिल जाती है, और राइट साइड में 220 तक की स्पीड मार्किंग मिलती है। बीच में MID डिस्प्ले मिल जाती है छोटी सी। बाकी ऊपर आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, और यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हो पेट्रोल से CNG में। यहाँ पर ऐसी कुछ की आती है इस गाड़ी में, रिमोट की आती है, सेंट्रल लॉकिंग साथ में। यहाँ पर आपको रूफ में
सनवाइजर मिल जाता है, टिकट होल्डर नहीं रूफ लाइट मिल जाती है, हेलोजन में यहाँ पर आपको मिल जाता है, राइट साइड मल्टी मिरर, तीन ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं ऑटो फोल्ड वाले, मैनुअल IRVM देखने को मिलता है। स्टेयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हो टिल्ट कर सकते हो, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, यहाँ पर लाइट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, दोनों ही मैनुअली मिलते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर टॉप वेरिएंट में मिलता है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका मैनुअली AC कंट्रोल, जिसमें आप अपनी फैन स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसका दिया हुआ है ये टच है, लेकिन ये जो बटन्स वगैरह हैं ये इसका टच का काम करती है, ये 2D वाला ही। यहाँ पर AC वेंट्स के ऊपर आपको 1000 लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, साइड में फिनिश मिल जाती है सिल्वर कलर की, यहाँ पर वुडन फिनिश का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर बात करें तो ग्लब बॉक्स मिल जाता है जो कि कूल्ड नहीं है, कूल्ड आपको डिज़ायर के किसी वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर एयरबैग की बैजिंग, दो एयरबैग आते हैं सेफ्टी वाइज, और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, नीचे आपको एक USB ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, कुछ स्पेस मिल जाता है सामान वगैरह रखने के लिए, दो कप होल्डर हैं। बाकी यहाँ पर आपको मिलता है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसमें कि आप अपना गियर शिफ्ट वगैरह कर सकते हो। इसके साइड में सिल्वर फिनिश है, मैनुअल हैंडब्रेक देखने को मिलता है, ऊपर आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है। सीट्स की क्वालिटी की बात करें तो फैब्रिक में सीट्स मिलती हैं बीच कलर में, लेकिन इसका इंटीरियर बहुत जल्दी गंदा होता है, रूफ लाइट मैंने दिखाई दी थी। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं सेकंड रो में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से इसकी सेकंड रो में पहले चलेंगे, यहाँ पर तीन पैडल्स मिल जाते हैं, ब्रेक और एक्सेलरेटर और क्लच पैडल। बाकी अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, देखते हैं क्या क्या सेकंड रो मिलता है डिज़ायर के। डिज़ायर के सेकंड रो का स्पेस जो है बहुत अच्छा है और गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि ये मतलब एक फुल साइज सेडान देखने में लगती है लेकिन है नहीं। यहाँ पर आपको पावर विंडो स्विच मिल जाता है, क्रोम डोर हैंडल मिल जाता है, डुअल टोन में डोर है, ब्लैक एंड बीच कलर। यहाँ पर स्पीकर, 1 लीटर बॉटल होल्डर मिल जाता है। बाकी आपको ऐसा कुछ स्पेस देखने को मिलता है। सेकंड रो में भी आपको डिज़ायर के VXI वेरिएंट में AC देखने को मिलता है, LXI में नहीं मिलता बेस मॉडल में, और दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेकंड रो मिलते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसमें आपको दो कप होल्डर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और फ्रंट में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, मतलब चारों ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिया हुआ है, AC दिया हुआ है सेकंड रो के लिए। बाकी सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है सेकंड रो की भी, 3 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं डिज़ायर के सेकंड रो में भी, और सेडान्स तो अपने लग्जरी के मामले में पहचानी जाती हैं, तो बहुत अच्छा आपको कंफर्टेबल फील कराएगी ये गाड़ी। रूफ में आपको लाइट मिल जाती है हैलोजन में। अब चलते हैं गाड़ी की बार और इंजन वगैरह की बात करते हैं, आपको क्या पावर निकाल के देती है ये CNG में और कितने का माइलेज दे देती है। बाकी अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको ABS मिल जाता है, ब्रेक असिस्ट मिल जाता है, एंटी थीप अलार्म सिस्टम देखने को मिलता है, EBD मिल जाता है, दो एयरबैग्स मिल जाते हैं, सेफ्टी वाइज फीचर्स आपको मिल जाते हैं बहुत सारे। बाकी आप इसके बोनट के ऊपर कर लेते हो, देखते हैं आपको कैसा क्या इंजन की पावर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन मारुति अपनी गाड़ियों में देती है, लेकिन इनका जो इंजन है वो नेचुरली एस्पेटेड होता है, इससे कि आवाज़ बिल्कुल नहीं करता है, फिर भी मारुति ऊपर इंसुलेशन करके देती है। बाकी आपको इंजन प्रोटेक्शन गार्ड वगैरह भी नीचे देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर बात करें यहाँ पर आपको 1.2 लीटर का BS6 फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि नेचुरली एस्पेटेड 76.43 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है CNG में, और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है CNG में। बाकी फोर सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलता है, और अगर माइलेज वगैरह की बात करें CNG में तो आपको 31.12 किलोमीटर पर KG का माइलेज देखने को मिलता है, मतलब 1 किलो CNG में ये गाड़ी 31 किलोमीटर तक चल सकती है, पेट्रोल में आपको माइलेज मिलता है 19 का। बाकी भाई यही था डिज़ायर के VXI CNG वेरिएंट का एक फुल डिटेल रिव्यू। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, साथ ही माय ऑटो ब्लॉग से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑफ नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।